तो इसने उस इलाके में चोरी करना कबूल किया है। फिर हम लोगों को लगभग 11 लाख रुपए की मशरूका मिली है। रास्ते में जो ट्रेल था वहाँ जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबको खंगाला गया, तो वहाँ से रायपुर भागने में आसानी हो जाती थी। चोरी के लिए जो सबसे उपयुक्त जगह लोगों को लगता है वहाँ पे हाथ मारते हैं। हो सकता है जिस जगह पे आप बात करें वहाँ पे इनको मौका नहीं लगा, मतलब जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है, पुलिस रिमांड पे नहीं गए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। कुछ दिनों पहले ही आईपीएस अभिषेक पल्लव का तबादला हुआ है, जो कि पहले दुर्ग में एसपी के पद पर पदस्थ थे। वहीं आईपीएस सलभ कुमार सिन्हा ने दुर्ग एसपी के पद की कमान संभाल ली है। आज दुर्ग पुलिस ने अमलेश्वर में हो रहे चोरियों पर बड़ा खुलासा किया है। आज दुर्ग पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि दिन में रेकी करते थे और रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। लेकिन पूछताछ का जो अंदाज है पूरी तरह बदल चुका है। आइए आपको दिखाते हैं दुर्ग के नए एसपी सलभ कुमार सिन्हा का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो। वुड आइलैंड अपार्टमेंट है जहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं। वहाँ पे पिछले कुछ समय से लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी। कई घरों में ताले तोड़ करके सोने मकानों से चोरी की गई थी, जिसमें ज्वेलरीज भी थी और कुछ कैश भी वहां से चोरी हुआ था। तो इस मामले में जो हमारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट है और थाना अमलेश्वर की संयुक्त टीम अलग अलग एंगल्स से जांच कर रही थी। साइबर इनपुट्स के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी उस इलाके का देखा जा रहा था। इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट, कुछ संदिग्ध मूवमेंट हमको दिखे। उस सीसीटीवी का फिर फॉलोअप लिया गया, ट्रेल एक बनाया गया और फिर रायपुर के पास जो धमतरी रोड है, सदामी दरबार, वहां से हमको जो मेन मुख्य आरोपी है, जो मेन चोरी करता था व्यक्ति, उसको पकड़ने में सफलता हासिल हुई। जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सुरेंद्र विश्वकर्मा है। ये पहले भी चोरी में संलिप्त रहा है और इसने से जब हम लोगों ने पकड़ करके पूछताछ किया तो इसने उस इलाके में चोरी करना कबूल किया है। और इससे फिर हम लोगों को लगभग 11 लाख रुपए की मशरूका मिली है, जिसमें कुछ सोने चांदी के जेवर है, कुछ कैश है, काफी सारा कैश इसने खर्च कर दिया था। एक लैपटॉप भी इसने चोरी किया था, लैपटॉप भी बरामद हुआ है। और इससे हम लोगों को और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। ये सोने चांदी के जो जेवर है ये अपने दो साथियों के साथ में उनको खपाता था। ये जो दो साथी हैं सोने चांदी का ही काम करते हैं, तो ये लोग अपने पास इसको रख करके फिर धीरे से बेच देते थे मार्केट में इसको। तो तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और आज तीनों को न्यायिक रिमांड पे भेजा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि उस इलाके में जो चोरियां लगातार हो रही थी वो उनके जेल जाने से बंद हो जाएंगे। ये पिछले 4 महीने से लगातार वहाँ पे उस एरिया में एक एक करके चोरी कर रहे थे। और ये जो सोनू है, जो सुरेंद्र विश्वकर्मा मुख्य आरोपी, ये काफी पहले से चोरी की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। अभी हम लोगों यहाँ जो अमलेश्वर टाउनशिप है वहां से लेकर के फिर रायपुर के लगातार, क्योंकि वहां पे आईटीएमएस का सिस्टम है अपने पास में, तो जितने भी रास्ते में जो ट्रेल था वहां जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबको खंगाला गया। लगभग 70-80 सीसीटीवी कैमरे हैं जिनको हम लोगों ने जिनका परीक्षण किया है और उसके बाद फिर इनको पकड़ने में सफलता हासिल। इनके यहां गलाता कहां था, ये जो दो इनके साथी है ये लोग वही सोने चांदी का ही काम करते हैं, शिव शंकर और जितेंद्र, ला रहे हैं। ये सोने नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लोगों को जहां मौका मिलता था, क्योंकि वहां पे पहली बार चोरी किया उसको सफलता मिली, फिर दूसरी बार किया तो उसका हौसला बढ़ गया कि क्योंकि यहाँ से अमलेश्वर का जो एरिया है वो भागने के लिए अच्छा है, वहाँ रायपुर से घुसे और फिर चोरी करके फिर उस तरफ चले गए, तो उस वजह से इन लोगों ने इस एरिया को टारगेट किया। पैसा अपने खुद के जो उपयोग में ही इसने खर्चा किया है।
टाइमिंग क्या कैसे उसका चोरी करने का टाइम रेगी करता था पहले या फिर दिन रात किसी भी समय सुना समय मकान बेसिकली हाँ बेसिकली उस एरिया की रेकी करते और फिर जो भी इसको लगता था कि सोने मकान है तो जनरली रात में ही जितनी चोरियाँ हुई हैं वो रात के समय ही इसमें चोरी बताएंगे वो हम लोग पूछताछ किए उसमें जो भी जानकारी मिली उसके हिसाब से हम लोग जो चालान है उसमें सारी चीजें बताएंगे क्योंकि वो रायपुर के पास में है इनको वहाँ से रायपुर भागने में आसानी हो जाती थी इस वजह से अच्छा सामान मिलेगा। देखिए चोरी 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 के लिए जो सबसे उपयुक्त जगह लोगों को लगता है वहाँ पे हाथ मारते हैं हो सकता है जिस जगह पे आप बात करें वहाँ पे इनको मौका नहीं लगा अगर मौका लगता तो वहाँ से भी पूछ करें तो ये बोलना मुश्किल है कि उसी जगह पे एग्जैक्टली क्यों गए लेकिन जहाँ पे इनको मौका मिला जहाँ पे इनको लगा कि यहाँ पे सोने मकान में हम लोग आराम से चोरी कर सकते हैं तो आसपास नहीं अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ की जितनी चोरियाँ उसी बता रहे हाँ इनकी क्राइम हिस्ट्री हम लोग खुजवा रहे हैं हालांकि पहले इसने चोरी वगैरह किया है एग्जैक्टली हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ कहाँ पे कितनी चोरियां इसने की है। इनको रिमांड में ले रहे हैं? नहीं इनको हाँ मतलब जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है पुलिस रिमांड पे नहीं ले रहे हैं। सर इनके खिलाफ और कोई अपराध सेवा रहे? अभी नहीं अभी हमारे जिले में और कोई अपराध इनके खिलाफ तो नहीं है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सब इन लोग? कितना पढ़ा है? दसवीं पढ़ा है। आप लोग अलग से इससे बातचीत करना तो करा लेंगे। एक बिलासपुर का एक रायपुर और दो रायपुर के हैं वो क्या आरोपी है वो बिलासपुर का है बाकी दो रायपुर के आपस में तीनों की पहचान कैसे पहले जान पहचान है ये एक जो जितेंद्र है वो पेवर ब्लॉक का काम करता है दूसरा साथी जो उसके साथ पेवर ब्लॉक का काम करता था और क्योंकि दोनों ही सोना चांदी बनाने में मतलब उसकी कारीगरी करने में माहिर थे तो इनकी जान पहचान हुई। अच्छा ये सोनू जो है क्योंकि चोर है तो ये हमेशा पूछता रहता था कि कहाँ पे अपना माल कपाया जा सकता है उसी सिलसिले में इनकी जान पहचान आपस में। सर प्राय सभी चोरियों में सीसीटीवी की भूमिका बहुत ज्यादा रही है पर इस बीच में एक पॉइंट है कि रायपुर से आके व्यक्ति चोरी करके सामान लेके आराम से और वापस चले जा रहे हैं तो इस बीच में रोड पे कोई गश्त व्यवस्था को लेके कोई? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है अगर हमारे इलाके में आकर चोरी करके चले जा रहे हैं लंबे समय तक तो थोड़ा जो गश्त है उसको सुधारने की आवश्यकता महसूस होती है और मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां पर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि गश्त की कमी है वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि गश्त लगातार होते रहे और इस तरह की घटना न हो। अमलेश्वर थाना अंतर्गत विगत 4 महीनों से लगातार जो वुड आइलैंड सोसाइटी है वहाँ पे चोरी की शिकायतें आ रही थी उन्हें मकानों को टारगेट करके ताला तोड़ करके चोरी किया जा रहा था। सूचना मिलने पर जो अमलेश्वर थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की ज्वाइंट टीम लगातार चोरों की पतासाजी में लगी हुई थी इसी कड़ी में वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज है उनका लगातार निगरानी किया गया उनका एग्जामिनेशन किया गया और उससे कुछ क्लूज मिले उस क्लू के तहत हम लोग रायपुर पहुंचे। रायपुर में भी वहाँ के पुलिस के साथ सहयोग लेकर के वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस को देख करके हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी है चोरी का सोनू विश्वकर्मा उसको रायपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ में उसने अपनी चोरी कबूली है और 6 अलग अलग घरों से जो इसने ताले तोड़ करके चोरी की थी उसके मशरूका को बरामद कराया। कुल लगभग 11 लाख का मशरूका है जिसमें सोने चांदी के ज्वेलरीज हैं और साथ साथ कुछ कैश है एक लैपटॉप है और इसके साथ फिर हम लोगों ने जब और बातचीत की तो इसने और दो अपने साथियों का नाम बताया जितेंद्र और शंकर जिन लोगों ने इसके साथ मिलकर के जो माल है चोरी का माल है तो कपाने में मदद की थी
तीनों को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में आज कोर्ट हम भेज रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। अभी तक जो पूछताछ में जो भी तथ्य है उसके हिसाब से मुख्य जो चोरी करता था सोनू और उसके साथ दो आरोपी थे, उन लोगों ने भी बीच बीच में चोरियों में साथ दिया है, पर उन दोनों का मुख्य काम था जो ज्वेलरीज को डिस्पोज करना होता था वो उसमें मदद करते थे। हाँ, ये लोग ज्वेलरीज, क्योंकि ये लोग खुद ही कलाकारी जानते हैं ज्वेलरी की, तो ये लोग उसको गला करके फिर उसको जो जिस तरीके से भी छपाना होता था छपा। सर, जिसके पास ये लोग बेचते थे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? हम लोगों ने इनसे जो भी पूछताछ की है उसमें जैसे भी तथ्य आए हैं उसके हिसाब से अभी तक किसी और की संलिप्तता इसमें जाहिर नहीं हो पाई है, लेकिन क्योंकि विवेचना जारी है और आगे अगर संलिप्तता भी पता चलती है तो कार्रवाई की जाएगी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक,